सिकंदर, दानिश अजीज क्रीज पर और दानिश अनीस साइड लाइन पर इस टूर्नामेंट के रूए रवा, टेस्ट क्रिकेटर, चेयरमैन टूर्नामेंट कमेटी और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के हेड कोच मुइन खान साहब के साथ। मुइन, यू मस्ट फील लाइक अ प्राउड फादर जब आप इन यंगस्टर्स को अपने ग्राउंड में खेलता देखते हैं। इनमें से कुछ तो वायरल सेंसेशंस भी बन गए। नाउ आई अंडरस्टैंड ऐसा कुछ नहीं है जो आपने ग्लोबल क्रिकेट में नहीं देखा है, बट फिर भी फख्र महसूस होता होगा। ऑफ कोर्स दानिश, मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी जब से ये अकेडमी बनाई थी कि बच्चों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए जहाँ पे आके वो अपने स्किल्स का मुजाहरा करें और लाइमलाइट में आए, और यही हुआ है। इस टूर्नामेंट की खासियत ये चूँकि ये आपको पता है 3 साल के बाद कोविड के बाद उस पीरियड में हम नहीं करा सके थे, लेकिन उससे पहले बहुत सारे क्रिकेटर्स माशाल्लाह इस टूर्नामेंट से निकले, पाकिस्तान टीम तक गए, और इसकी अपनी एक वैल्यू है इसकी परफॉर्मेंसेस की। तो अभी भी आपने जैसे कहा कि 2-3 प्लेयर्स हैं वाकई वो लाइमलाइट में आए हैं, उनका बड़ा नाम हो रहा है। तो दैट्स व्हाट आई एग्जैक्टली लुक फॉर कि इस तरह के बच्चे जो है उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जाए, अच्छी कंडीशंस, अच्छे ग्राउंड में, अच्छे एनवायरनमेंट में प्रेशर वाली क्रिकेट मिले, अच्छी कंपटीशन हो और वो आगे बढ़े। तो ये एक स्टेप है फॉरवर्ड टूवर्ड्स इंशाल्लाह पाकिस्तान टीम। वैसे तो कराची में रमज़ान क्रिकेट एक अरसे से होती आ रही है मोइन, लेकिन आज से तकरीबन एक दिहाई पहले जो सफ़र मोइन खान अकेडमी से शुरू हुआ था, अब कराची समेत पाकिस्तान भर में टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, ये बहुत खुशाइंद है। इट्स गुड टू बी अ ट्रेंड सेटर कि आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ें और एक ऐसा प्लेटफॉर्म सेट करें जिससे यंगस्टर्स, सीनियर प्लेयर्स एक साथ मिलकर खेल सकें और एक्सपीरियंस का तबादला हो सके। 100% बेसिकली तो इसका जो मेन विजन था इस टूर्नामेंट का, बेसिकली कॉर्पोरेट क्रिकेट है जिसमें तमाम बड़ी डिपार्टमेंट जो हमारे ग्रेड वन के डिपार्टमेंट्स थे पाकिस्तान में, उन्होंने हमेशा पार्टिसिपेट किया। अनफॉर्चुनेटली पिछले 3 साल में 4 साल में वो डिपार्टमेंट क्रिकेट भी बंद हो गई थी, जिसकी वजह से इस साल आप देख रहे होंगे जो बड़े डिपार्टमेंट्स हैं वो नज़र नहीं आ रहे, यू नो, क्योंकि उन तमाम डिपार्टमेंट्स के अंदर बड़े प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं, यंगस्टर्स मौजूद हैं और वो अपकमिंग सारे प्लेयर्स हैं, यू नो, तो उनकी और ज़्यादा कॉम्पिटिशन हो जाती थी, लेकिन वो तमाम प्लेयर इस दफ़ा डिफरेंट टीमों से खेल रहे हैं। खुशी यही होती है, अब जिस तरह हमारा आइन बहाल हुआ है, यू नो, तो अब मेरी ख्वाहिश यही है कि जल्द से जल्द रिवाइव हो जाए टीमें, उनके बजट पास हो जाए विद इन द देयर डिपार्टमेंट्स और टीमें बन जाए, तो अगले साल आप देखेंगे और बड़ी टीमें, बड़े प्लेयर्स आपको नज़र आएंगे यहाँ पे, जो एक अगेन एक बहुत वैल्यू क्रिएट करेंगे यहाँ पे इस टूर्नामेंट के लिए, सबके लिए, चाहे वो स्पॉन्सर्स हों या पाकिस्तान क्रिकेट रिलेट करती हो इस चीज़ से। तो टैलेंट सामने आएगा और अच्छे प्लेयर्स जब आते हैं ग्राउंड में, क्राउड भी आपको नज़र आ रहा है इवेंचुअली बढ़ता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, और अब चूँकि टूर्नामेंट जो है थोड़ा सा इख्तिताम की तरफ जा रहा है, लाइक अगले 2 दिन में सेमीफाइनल फ्राइडे को हो जाएगा, फिर फाइनल सैटरडे को फाइनल है इसका, तो खुशी हो रही है इस तरह का प्लेटफॉर्म देख के, इतनी अच्छी इतने टैलेंटेड बच्चे देख के। यहाँ पे हमेशा से ये ख्वाहिश थी कि एक ऐसा काम किया जाए जो हमने सीखा है वो कोशिश की जाए टूवर्ड्स थ्रू अकेडमी और इस प्लेटफॉर्म के जो हमने ये प्रोवाइड किया यहाँ से सिखाया जाए, बच्चों को आगे बढ़ाया जाए ताकि कम से कम लोग याद रख सकें। एक डिकेड आपने जैसे कहा कि हो गई है, मैं तो बहुत खुश हूँ एक डिकेड गुजर गई है, बट मैं आगे भी इंशाल्लाह ताला 1-2 डिकेड्स तो देखना चाहता हूँ कि इसी तरह ये फ्लरिश करता रहे। सर, हम चाहेंगे कि आप उससे ज़्यादा भी डिकेड्स हमारी रहनुमाई करते रहें, सरपरस्ती करते रहें, ताकि इन बच्चों को भी मौका मिलता रहे। प्लेयर्स की हमने बात की, टूर्नामेंट की हमने बात की, कुछ फैंस की भी बात कर लेते हैं। आपने जिक्र किया कि फैंस की तादाद बढ़ती जा रही है, सबसे ज़्यादा खुशाइन बात यह कि फैमिलीज़ आई हुई हैं सर, छोटे छोटे बच्चे अपने माँ बाप के साथ, अपने दादा दादी के साथ यहाँ पर आए हुए हैं, ये बड़ी मज़ेदार फीलिंग है। फैमिली ऑफ कोर्स हमेशा हमने जब भी टूर्नामेंट किया है दानिश, फ्री एंट्री रखी है सबके लिए, स्पेशली हमारे जो क्लब के मेंबर्स हैं उनके लिए भी खास इंतज़ाम होता है, एक जो स्टैंड है उनके लिए डेडिकेट करते हैं और एक स्टैंड हम सिर्फ फैमिलीज़ के लिए जो बाहर से आते हैं, जो हमारे मेंबर्स नहीं लेकिन बाहर से आते हैं, उनको भी वेलकम करता है क्लब DHA स्पोर्ट्स क्लब। पहले दिन से जब से टूर्नामेंट हुआ है इस टूर्नामेंट की हमेशा फ्री एंट्री रखते हैं, यू नो, अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जो टूर्नामेंट चल रहे हैं इस वक्त बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं, यू नो, स्कूल खुले हुए हैं, तो इसमें थोड़ा सा टर्नआउट कम है, बट मुझे उम्मीद है कि फ्राइडे सैटरडे को आपको फुल हाउस नजर आएगा यकीनन। लेडीज एंड जेंटलमैन, द मैन हिमसेल्फ मुइन खान, बैक टू द कॉम बॉक्स, कीप एंजॉयिंग द मैच।